बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नबीला हेयर, योर साइंस टीचर फ्रॉम जूनियर विंग मॉडल टाउन। इट्स लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस, यूनिट नंबर 2, हेल्थ एंड सेफ्टी। दिस यूनिट हेल्थ एंड सेफ्टी हैज़ टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी। Health, in this lecture I will describe you about the health and its improvement. So students, listen the lecture very carefully. I will ask some questions during the lecture. Try to give the answer of these questions, and at the end of this lecture I will give you a home assignment. Look at these two cars. As you know, car is a machine. Can you tell me the difference between these two cars? Yes, you are right. The first one car is untidy and muddy, while the second one car is clean, neat, sparkling and tidy. So which car will you choose to drive? I think you will choose the second one because it's neat and clean and looks beautiful and attractive. In the same way, as car is a machine, the human body is also a machine. And our human body also looks beautiful when we make it neat and clean. Now let's start the main topic of this lecture, that is health. Health means sehat. Aap apni sehat ko kaise behtar bana sakte hain? Wo points hum is slide mein discuss karenge. There are basically three main points. The first one is balanced diet. अपनी डाइट में, अपने खाने में बैलेंस रखा जाए. द सेकेंड वन इज़ इनफ स्लीप, एक अच्छी बेहतर नींद ली जाए. एंड द थर्ड वन इज़ एक्सरसाइज, डेली अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल किया जाए किसी भी फॉर्म में. बैलेंस डाइट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी आयशा की. अगर आयशा ईट्स फ्रूट्स एंड ओनली फ्रूट्स, देन विल शी हैव अ गुड हेल्थ. आयशा को जो है वो सिर्फ फ्रूट्स पसंद हैं. फ्रूट्स जो हैं वो विटामिन से फुल होते हैं, आपको डिजीज़ से बचा लेते हैं. लेकिन अगर आपकी बॉडी में सिर्फ विटामिन ही शामिल हों और बाकी चीज़ें ना हो तो क्या होगा? विल आयशा हैव अ गुड हेल्थ. द सेकंड वन इज़ अब्दुल्ला. अब्दुल्ला सेज आई ईट पोटैटो एंड ओनली पोटैटोस. अब सिर्फ पोटैटो का मतलब है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स. तो क्या अब्दुल्ला की हेल्थ अच्छी होगी? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में शामिल कर रहे हैं अब्दुल्ला और कुछ नहीं डाल रहा है. व्हाट आर यू सेइंग? आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? Yes or no? No. But why? Because they are not eating a balanced diet. Balanced diet नहीं ले रहे हैं वो. तो balanced diet को explain करने के लिए हम ये top पे एक picture है जिसमें balanced diet की सारी foods हैं, and there are four different portions of these foods. First portion में spaghetti, rice and bread है. Second portion में yogurt यानी milk products हैं, egg है, meat है और grains भी हैं. थर्ड पोर्शन में फ्रूट्स शामिल हैं, एंड द फोर्थ पोर्शन इज़ फुल विद वेजिटेबल्स. एंड फैट्स एंड स्वीट्स का पोर्शन जो है वो उसके अलावा होता है, जो अभी इस पिक्चर में क्लियर नहीं है. तो लेकिन ये है कि आपको फूड ग्रुप में से बैलेंस डाइट लेने के लिए इन्हीं फूड ग्रुप में से कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स चूज या थिंग्स फूड आइटम्स चूज करने होते हैं. जैसे अगर आप एक ग्रुप में से स्पेगेटी ले रही हैं तो आपको दूसरे ग्रुप में से योगर्ट या एग या मीट में से कुछ लेना चाहिए. थर्ड ग्रुप में से कोई एक फ्रूट चूज़ करना चाहिए. फोर्थ ग्रुप में से कोई एक वेजिटेबल शामिल करनी चाहिए. तो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. सो फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ आयशा एंड अब्दुल्ला, यू अंडरस्टैंड दैट बैलेंस्ड डाइट मीन्स दैट वी हैव टू चूज फूड फ्रॉम ईच ग्रुप. सो वट इज़ बैलेंस्ड डाइट? वी कैन डिफाइन बैलेंस्ड डाइट मीन्स राइट काइंड ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट. अच्छी फूड लें और सही अमाउंट में लें. उसकी वजह यह है कि हर फूड ग्रुप को चूज़ करने का हमें ही फ़ायदा है, हमारी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी को एक वक्त में विटामिंस भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए. तो जब हम हर ग्रुप में से एक फूड लेते हैं तो इसमें का मतलब है कि हम अगर मीट ग्रुप में से ले रहे हैं तो हम अपने अंदर प्रोटीन ऐड कर रहे हैं. अगर हम फ्रूट्स ग्रुप में से ले रहे हैं देन वी आर एडिंग विटामिंस इन आवर बॉडी. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहते हैं तो हमें ब्रेड और राइस और स्पैगेटीज वाले ग्रुप में से कुछ चूज़ करना चाहिए. तो इस तरह राइट फूड, राइट काइंड ऑफ फूड, राइट अमाउंट में लेना है. एंड दिस इज बैलेंस्ड डाइट. अच्छी हेल्थ के लिए पहला पॉइंट बैलेंस्ड डाइट हमारे लिए जरूरी है, जो यहां पे कंप्लीट हुआ.
नेक्स्ट पॉइंट इज स्लीप एंड रेस्ट, सोना और आराम करना। हमारी हेल्दी बॉडी के लिए हमारे लिए सोना भी ज़रूरी है और अपनी बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। स्लीप एंड रेस्ट, इज़ बैलेंस डाइट इनफ? क्या बैलेंस डाइट जो है वो आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत काफ़ी हो जाएगी या और भी कुछ चाहिए? यस यू आर राइट, हैविंग गुड स्लीप एंड रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद बैलेंस डाइट। और आपको एक अहम बात यहाँ पर बताऊँ कि स्लीप का मतलब सोना, यानी सोना तो है ना, आप रात को एक टाइम से सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं एक नींद, इसके साथ साथ उसमें आपका रेस्ट भी हो जाता है। इसके अलावा रेस्ट के और भी बहुत से तरीके हैं जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक अच्छी रीडिंग बुक लें, कोई स्टोरी, कोई अच्छी हिस्ट्री के बारे में कोई अच्छी सी रीडिंग बुक जिसमें आप इंजॉय करें और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो लें और एक जगह क्वाइटली बैठें, आराम से उस बुक को पढ़ें, उसे इंजॉय करें, तो ये भी रेस्ट की एक फॉर्म है जिसमें आप मेंटली तौर पर रेस्ट में आ जाते हैं। लाइक इन दिस पिक्चर boys are reading the book and enjoying. This point, sleep and rest is very important for a healthy body. During sleep, there are certain processes occurring in our body. जब हम सो रहे हैं, और मैंने इस पॉइंट को इसलिए इंक्लूड किया है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस अकर होते हैं। देर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस अकरिंग इन आवर बॉडी, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट, न्यू ब्लड सेल्स ग्रो इन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर नए नए न्यू ब्लड सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं ना, वो उनकी ग्रोथ चलती रहती है, और हमारे सोते वक्त वो ब्लड सेल्स जो हैं वो तेज़ी से ग्रो करते हैं। और ब्लड की हमारी बॉडी में बहुत वैल्यू है। आपको पता है कि ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, थ्रू आउट आवर बॉडी इट सर्कुलेट एंड इट कैरीज ऑक्सीजन। जब ब्लड किसी पॉइंट किसी बॉडी पार्ट में पहुँचता है ना, तो वो एक्चुअली ऑक्सीजन को साथ लेके जा रहा होता है, और एंड यू नो डैट ऑक्सीजन इज़ लाइफ, ऑक्सीजन ही हमारी ज़िंदगी। तो सो के हम ब्लड सेल्स को ग्रोथ करते हैं और जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। नंबर सेकंड पॉइंट, आवर ब्रेन रिपेयर्स एंड रीऑर्गेनाइजेस। हमारा ब्रेन सोने के दौरान अपने आप को रिपेयर करता है, रीऑर्गेनाइज करता है, अपने ब्रेन में होने वाले सारे जो प्रोसेस हैं उनको फिर से नया कर देता है। इसलिए जब हम सोकर उठते हैं तो हम पहले से ज़्यादा फ्रेश होते हैं, और फिज़िकली भी और मेंटली भी हम ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। इसलिए आमतौर पे जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं या कोई टेस्ट मिला होता है, तो कुछ बच्चे जो हैं वो सुबह उठकर रिवाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा ब्रेन फ्रेश होता है और वो नई चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए जो है ना, वो रेडी होता है। तो इसलिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, आवर बॉडी रिपेयर्स इट्सेल्फ। व्हेनेवर वी आर स्लीपिंग, हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, मेंड कर रही होती है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। इंटरनली एक्सटर्नली तो आपको पता है, हमें कट्स लग जाते हैं, वोंड्स हो जाते हैं, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स, उनको वो हील करती है बॉडी ड्यूरिंग स्लीपिंग। और एक्सटर्नली के साथ साथ इंटरनली भी वो कुछ काम कर रही होती है। सो अब ये है कि सोना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, सोने की इंपॉर्टेंस है, ये तो आपको पता चल गया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम आपको सोना, कितना टाइम सोने को कितना टाइम देना है। 8 years पर्सन हैज़ टू टेक 10 hours स्लीप। 7, 8 या 9 years के किड्स या बच्चे जो होते हैं उनको तकरीबन 10 hours 10 घंटे सोना होता है। अच्छा, सोने में एक रूटीन को ख्याल रखना है कि आप टाइमली सो जाएं। कुछ बच्चे बहुत रात 12-12 1-1 बजे तक जागते रहते हैं, उसके बाद सोते हैं, जब वो सुबह स्कूल आते हैं तो वो डेस्क पे सर रख कर सो रहे होते हैं। तो रात को टाइम से सो जाएं और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, ताकि सुबह की फ्रेश एयर को भी आप ले सकें, वो भी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है। इफ़ यू टेक लेस स्लीप यू विल फील लेजी। अगर आप कम नींद लेते हैं, आप अपना टाइम नींद का पूरा नहीं करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं, सुस्त रहते हैं सारा दिन, अपने काम में परफेक्शन नहीं आती आपके काम में, तो उसमें नींद का बहुत अमल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज। फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बैलेंस डाइट, सेकेंड वन वॉज स्लीप, एंड नाउ द थर्ड वन इज एक्सरसाइज फॉर किड्स। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इज इट इनफ फॉर हेल्दी बॉडी टू ईट 3 times a day एंड देन रेस्ट? क्या हमारी बॉडी के लिए ये बहुत है कि हम 3 times एक बैलेंस डाइट ले लें, उसके बाद हम रात को खूब सो लें? नहीं, बल्कि इसके साथ कुछ और चीज़ भी ज़रूरी है। वो और चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज अदर टू, मीन्स एक्सरसाइज भी हमारी बैलेंस डाइट और स्लीप के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है। लाइक इन दिस पिक्चर द स्टूडेंट्स आर डूइंग पुशअप्स, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज।
हाउ टू डू एक्सरसाइज टू बी फिट। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि बच्चे जो हैं वो कैसे एक्सरसाइज करें, बड़े तो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। बच्चों आप लोगों की एक्सरसाइज ये है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी रखें कि जिसमें वॉकिंग चलना फिरना शामिल हो, इसके अलावा रनिंग भागने दौड़ने वाले काम करते रहें उससे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, प्लेइंग खेलें खेल कूद में शामिल रहें, स्विमिंग स्विमिंग में अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसा क्लब मौजूद है जहाँ पे आप उसे ज्वाइन करें और स्विमिंग करें, इसके अलावा साइकिलिंग, आई नो डैट मोस्ट ऑफ़ यू हैव साइकिल्स, आपकी पर्सनल बाइसिकल्स होती हैं आप उन्हें चलाएं आने बाहर आने जाने के लिए जहाँ तक मामा परमिशन दे, साइकिलिंग करें उससे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। एंड स्कीपिंग, स्कीपिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टिविटी एज एक्सरसाइज। सो स्विमिंग स्कीपिंग एंड साइकिलिंग ये तीन जो है ना एक्सरसाइज, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है मसल्स की फॉर आर्म्स एंड मसल्स ऑफ आर्म्स एंड मसल्स ऑफ लेग्स, सो यू हैव टू डू दिस। द नेक्स्ट इज़ सलाए नमाज। नमाज पढ़ना भी एक एक्सरसाइज है, इससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है स्पेशली जब हम रुकू में होते हैं और सजदे में होते हैं। ये एक्सरसाइज के साथ साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है और अल्लाह ताला जो है वो नमाज़ पढ़ने वालों से खुश भी होते हैं, हमारे वुज़ू करने से हम पाक भी हो जाते हैं, तो हमें इस एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। ठीक है, इंशाल्लाह। द नेक्स्ट वन इज़ टाइम टू रिकॉल। अब हमने इस टॉपिक में तीन पॉइंट जो डिस्कस किए हैं, द फर्स्ट वन वॉज बैलेंस डाइट, सेकेंड वन वॉज स्लीप एंड द थर्ड वन वॉज एक्सरसाइज। येस यू आर राइट। नाउ टर्न ऑन द लाइट ऑफ योर ब्रेन, अपने दिमाग की बत्ती जलाएं एंड लेट्स चेक इट आउट कि आप सबको कितना याद रह गया जो हमने पढ़ा। द फर्स्ट वन पॉइंट इज ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन। आपकी बॉडी एक मशीन है, बिल्कुल ऐसी जैसे कार एक मशीन है। बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट का मतलब है हर खाना खाना और अच्छी राइट अमाउंट में खाना, जैसे आयशा और अब्दुल्ला को हमने देखा कि वो नहीं खा रहे थे तो हमें उसको फॉलो नहीं करना। स्लीपिंग एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स इज़ गुड। 8 से 10 घंटे सोना एक अच्छी नींद है। प्ले एंड डू एक्टिविटीज़ इन विच यूर बॉडी मूव। ऐसी एक्टिविटीज़ में रहें जिसमें आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में रहे, चलती फिरती रहे, मसल्स मूव करें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना वो आपकी मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर देती है। Now it's time for home assignment. Most healthy food items should be the part of our 3 meals in a day. हमने इस लेसन में समझा है कि हमारे 3 meals में healthy items का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। Junk food तो आप लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, जैसे लेज हो गया या सम अदर थिंग्स हो गया, तो जंक फूड जो है ना वो उसको कम से कम करते जाएं और हेल्दी आइटम्स को ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा शामिल करते जाएं। ऐसा नहीं है कि खाने का टाइम हुआ है और आप जंक फूड लेके बैठे हुए हैं कि मामा क्योंकि मैं लेस खा रही हूँ तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, सेम फॉर बॉयज़। तो आपको जो है वो हेल्दी आइटम्स अपनी फूड के 3 टाइम्स में शामिल करने हैं। आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने बैलेंस डाइट की ये जो प्लेट स्लाइड पे बनी हुई है, इस प्लेट के हर पोर्शन में से एक फूड आइटम चूज़ करना है और एक टेबल बनाना है, अपनी कॉपी पे बना लें, समर वेकेशन की कॉपी पे आप ये बना लें इसकी असाइनमेंट। उसमें आपने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के 3 कॉलम्स बनाने हैं जैसे स्लाइड पे बने हुए हैं। हर कॉलम में आपने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चीज़ें निकालनी हैं अपने बैलेंस डाइट के लिए, और लंच के लिए एक बैलेंस मील बनाना है, डिनर के लिए एक बैलेंस मील बनाना है और इसको सेव करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट दिस लेसन, रिमेंबर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन। नेक्स्ट लेक्चर में इसका दूसरा हिस्सा जो है सेफ्टी, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।